सलावत है, दो लाइन सुनाए बस। मोहब्बत के नाम अपना दिल से मिटा के, मोहब्बत के नाम अपना दिल से मिटा के, खुश रही हजन तू ससुरा में जाके, मोहब्बत के नाम अपना दिल से मिटा के, खुश रही हजन तू ससुरा में जाके। टाइम के बहुत था बट बाकी भैया पूछिए और का पूछिए। तो ये तीनों लोगों को एक से प्यार हो जाता है, तीनों लोगों और तीनों लोग को लगता है कि ये जो प्यार हुआ है ये हमारे लिए ही हुआ है। ये तीनों लोग कैसे रास्ते पे आते हैं या वो नायिका रास्ते पे आती है उसी पे प्रकाश डालेगी ये फिल्म लोगों के सामने। तो ये तीनों लोग अजूबे हैं, थ्री इडियट तो नहीं कहेंगे लेकिन अजूबे हैं, कोई गायकी में है कोई किसी फिल्म में है और तीनों लोग सही रास्ते पे नहीं है। तो एक लड़की के जिंदगी में आने के बाद तो वो लड़की को भी मैं अब स्टेज पे बुला लेता हूँ। अक्षरा सिंह प्लीज। काफी मेहनत तो अक्षरा की है क्योंकि नए लोगों के साथ काम करना तो सीनियर आर्टिस्ट की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अक्षरा सभी लोगों को प्रणाम और इस फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मैं खुद को ही देती हूँ। इन तीनों में से तीनों को तो नहीं बट इनको जानती हूँ। एक समय में ये जिला टॉप में गाना गाते थे और कंटेस्टेंट थे और तभी बहुत मेहनत किया करते थे। आज इस मुकाम पे हैं कि हमारे साथ फिल्म करने आए हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग और ऑल द बेस्ट सभी लोगों को। आप आए तमाम गुणीजनों को प्रणाम। दूसरा हौसला अफजाई कहूँ या शब्दों का खेल कहूँ, प्रकाश जी ने परिचय कराया कुछ गार्जियन के रूप में, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक लंबी कहानी है, हमारे बहुत ही प्रिय हैं और शायद ये हापण से तब से आज हम इनके भैया हैं, ये हमारे अनुज हैं। ऐसे ही प्यार चल रहा है, काम कर रहा हूँ यहाँ। मैं जब एक्टिंग करता था मेरा पैर जब थरथराता था तो ये डायरेक्टर हुआ करते थे, ये पैर जो है हिलता ही रहता था ऐसे कंटिन्यू, एक को रोक देते थे तो दूसरा हिलना चालू हो जाता। लेकिन खुशी की बात यह है कि प्रकाश जी का एक अपना मुकाम है और उनकी अपनी पहचान है। अभी मैं इस टीम से और भी जुड़ गया जिसके एक अक्षरा जी हो सकती है, हमारी बिटिया रानी है, इनका मुहूर्त था तो उस नाते एक गार्जियन के रूप में मैं मेरा यहाँ पदार्पण भी हुआ। दूसरा यहाँ आकर के थोड़ा मैं भौचक रह गया कि भाई ये तो हमारे निर्देशक हैं, ये तो हमारे राइटर हैं, क्योंकि इन लोगों ने मुझे अभी फिल्म बलवान में मौका दिया था, मैं उसमें काम किया था। तो राइटर महोदय भी मेरे दोनों अच्छे से परिचित हैं, निर्देशक महोदय जी भी परिचित हैं। मैं एक ही शब्द कहना चाहता हूं कि नए तो आएंगे, नए को आना ही पड़ेगा, क्योंकि एक पीढ़ी है जो आगे निरंतर एक कारमा के रूप में अग्रसर है। पुराने आएंगे वो धीरे 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 लुप्त होंगे और नयों का पदार्पण होगा और नए करेंगे वो भी लुप्त होंगे, ये सृष्टि का नियम है। मुझे लगता है कि अगर प्रकाश जी ने मुझे गार्जियन बोल दिया या मैं कुछ सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम करते रहता हूँ, हमारे परिवार के लोग हैं नीलिमा जी अक्षरा जी मैं भी, तो मुझे लगता है नए लोगों का स्वागत एक जोरदार ताली के साथ होने ही चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये तीन महानुभावों का स्वागत करता हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से, चूंकि गार्जियन के रूप में मुझे विभूषित कर दिया है प्रकाश जी ने, तो उस नाते भी इनका स्वागत करता हूँ। प्रोड्यूसर महोदय साहब का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ हमारे दो लेखक महोदय का, जो एक जज्बा एक जुनून एक जोश के साथ
लाख परेशानियों के बावजूद इस इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा, कुछ करने का हौसला, कुछ करने का जोश के साथ वो आए हैं। मुझे लगता है कि आप अपना जोश बना के रखिए, कुछ अच्छी अच्छी चीजें, नई नई क्रिएटिविटी, क्योंकि सिनेमा क्रिएटिविटी है, हर लोग क्रिएट करते हैं, निर्देशक, अभिनेता, टीम के हर लोग, वो क्रिएटिविटी है सिनेमा। मैं सबका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे नए लोगों का स्वागत कीजिए, जम के फिल्म कीजिए। विनय जी एक अच्छे कंसेप्ट के साथ आए हैं, कुछ नया देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सहानुभूति, हमारी संवेदना या हमारा आशीर्वाद कहें गार्जियन या हमारा प्यार इनके साथ है, टीम के तमाम लोगों के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और सभी लोग बहुत कुछ बोलते हैं अपनी अपनी फिल्म के बारे में, लेकिन मैं आज यहाँ कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं सभी से सहयोग मांगता हूँ कि ये सभी लोग जो भी यहाँ उपस्थित हैं मुझे सहयोग करें ताकि मैं एक अच्छी फिल्म बनाऊं, और जो मैं कहना चाहता हूँ वो मेरी फिल्म बोले, ना कि मैं। ये जो पोस्टर है उसको लॉन्च करने की जिम्मेदारी एक इंडस्ट्री के नए उभरते विलन आए हैं, अमित शुक्ला जी, कहाँ गए, क्यों खड़े हैं आप, आइए तो आइए। और एक और विलन है बालेश्वर सिंह, ये लोग हमारा पोस्टर को लॉन्च करेंगे। आज इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि सब कलाकार अलग अलग जगहों पे बटे हुए हैं, कुछ काम की व्यस्तता की वजह से, और कुछ लोग मलेशिया गए हैं अवार्ड्स के कारण, और कुछ काम की वजह से बिजी हैं, सो इस वजह से नहीं मौजूद है। बट आई एम हियर एंड आई एम सो हैप्पी कि इस फिल्म की शुरुआत हो रही है बड़े अच्छे तरीके से, और इस फिल्म का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, कहानी बहुत अच्छी है, और कुछ अलग हट के सोचा है हमारे डायरेक्टर ने, और लेट्स सी। अक्षरा जी, जिनमें से दो लड़के जो हैं ये सिंगर्स हैं जी, एक बार फिर से सिंगर्स पर ही भरोसा जताया जा रहा है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, आपने किसी के गाने सुने होंगे या इसमें से किसी को आप जानते हो, तो जरा बताएं। मैं तीनों को तो नहीं, बट हाँ इनमें से एक हैं जिनको मैं जानती हूँ, बड़े छोटे थे जब जिला टॉप में होस्ट कर रही थी, उस दौरान वो कंटेस्टेंट थे वहाँ पे, और बहुत अच्छा गाते थे, शुरू से हमने देखा है उनको, और उम्मीद है एज अ हीरो भी अच्छा काम कर सकें और आगे बढ़े। जब ज़्यादातर जो आपके सामने को आर्टिस्ट होते हैं वो प्रेशर होते हैं या उन्हें इनका रोल नहीं होता है जी, तो सीनियर आर्टिस्ट की जिम्मेदारी कुछ बढ़ जाती है, थोड़ा प्रेशर भी बढ़ता है। 110% ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सीनियर आर्टिस्ट की ही बढ़ती है। एज अ फ्रेशर मुझे लगता है कि मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ, तो मैं उस चीज़ का ख्याल रखती हूँ बड़े अच्छे तरीके से, और मैं समझ सकती हूँ कैसा गुजरता है उस वक्त। बिल्कुल नहीं, अभी तो आज तो मुहूर्त है, आज ही बोल दूंगी तो फिर क्या सरप्राइज क्या रह जाएगा। इस फिल्म को लेकर कुछ कहना चाहूँगी, इस फिल्म के लिए ये कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से अपनी अक्षरा सिंह पर हमेशा से आशीर्वाद, प्यार, दुलार आप लोगों ने बनाए रखा है, इस फिल्म को भी उतना ही प्यार दीजिएगा, इतनी उम्मीद करके इस फिल्म की शुरुआत करने जा रही हूँ। अभी ये भोले बाबा का दिन चल रहा है और कांवर भी है ना, और आपके भी एल्बम आए हुए हैं तो रिसेंटली अभी चूहे रे मड़ैया करके एक गाना रिलीज हुआ है, और आज शाम 6 बजे भी मेरा एक और गाना आ रहा है जो कि रिमिक्स टाइप है, सो आई होप जिस तरीके से लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे मेरे पहले गाने को, वैसे ही इस गाने को भी देंगे। एंड हाँ, जिसका सबसे ज़्यादा व्यूअर्स मिला था उस वो दो लाइन सुनाती हूँ जी, के हम समझाइले बहो कौनो जुगाड़ बैठाइले बहो, देवरो के डाटब नंदो के पोटब लड़ जाए भसुरा से, देवघर जाए खाती साचो ऐसा के भाग जाए ससुरा से। That's it. थैंक यू। जरा फिल्म के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए अपनी जबरदस्त आवाज में। पहले तो त्रिपाठी जी आपको बधाई हो,
कि आप हमारे मजाक का सम्मान करते हैं। एक्चुअली मैं भी कभी कभी मजाक में कुछ बोल दिया हूँ आपको, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन क्या है, आप लोग इतने पुराने हो गए ना कि कभी कभी लाइव भी मजाक कर लेने की इच्छा होती है। इस फिल्म के बारे में मैं क्या बोलूँ, फिल्म का टाइटल आप लोग देख ही रहे हैं, लॉलीपॉप लागेलू। यंग जनरेशन की जो कहानी है कॉलेज लाइफ में, उससे मिलती जुलती कहानी है ये। कहानी तो रिवील नहीं करनी है, लेकिन यंग जनरेशन की ही कहानी होगी। और तीन यंग जनरेशन के लोग हैं इसमें, आप देख रहे हैं पोस्टर में, टीटू रूमिक्स, अमित यादव एंड एक और है। तो थ्री इडियट आप लोगों ने देखी होगी फिल्म, ये थ्री इडियट नहीं होगी, लेकिन ये तीन लोगों की ही कहानी होगी। और कैसे उसके जीवन में एक लड़की आती है, और सबके जीवन में एक ही लड़की कैसे आती है, कुछ इस तरह का मैटर है। प्रकाश जैन साहब क्या प्ले कर रहे हैं? मैं इस फिल्म में कह लीजिए तो सूत्रधार कह सकते हैं, लड़की और इन तीनों लड़कों के बीच की एक कड़ी है जो मेरा कैरेक्टर है, वो मैं कर रहा हूँ। लड़की पटाने के लिए आप इनको प्रेरित करते हैं? हो सकता है कबाब में हड्डी का भी रोल हो मेरा। तो कुछ उसी तरह का रोल है जो आप हमसे उम्मीद रखते रहे हैं। कुछ नया करने की कोशिश करूंगा गेटअप से। और हाँ जी, जिसमें प्रकाश जैन को एकदम महारत हासिल है जी, ये उस जॉनर की फिल्म है, तो इसमें करने के लिए बहुत कुछ हो सकता है। इसको बहुत आसानी से मैं नहीं लेता, लोगों को लगता है कि बहुत आसानी का काम है, आसानी से हो जाता होगा कॉमेडी, चूंकि मैं कॉमेडियन रहा हूँ। लेकिन हर फिल्म में एक नया रूप गढ़ने में मेहनत का काम है। तो रोल करने से पहले टेंशन तो रहता है कि इसमें नया क्या किया जाए। लाइक 100 से ऊपर फिल्म जा चुकी है मेरी, तो उसमें गेटअप थोड़ा अलग हो जाए या बोलने का तरीका अलग हो जाए, कुछ कैरेक्टराइजेशन थोड़ा अलग करके कोशिश तो करता हूँ। किसी न किसी रोल से मिक्स हो जाता है, क्योंकि करता तो प्रकाश जैसी है। जी, जब मैं रंगमंच के ज़माने की बात कर रहा हूँ, पटना में निर्माण कला मंच एक संस्था है, संजय उपाध्याय जी हमारे गुरु जी हैं। तो गुरु जी की संस्था में जब हम लोग विदेशी नाटक किया करते थे, उस समय से मैं अक्षरा को देख रहा हूँ, बहुत छोटी थी तभी, तब से वो उसका रंगमंच की दुनिया में आना जाना बचपन से ही शुरू हो गया था। तो तब से लेकर आज तक उसको मैं बड़ा होते देखा हूँ, और कमाल की एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा अभिनय कर लेती है। मैं तो रंगमंच में भी देखा हूँ, सिनेमा में भी देखा हूँ, इसलिए चाचा कहती है हमें, तो बेटी है मेरी। तो इस हिसाब से इस फिल्म में देखा जाए तो जो रोल है, मैं बता दूंगा तो रिवील हो जाएगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ये विनय जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, विनय शांडिल्या, उनके अनुसार ये फिल्म अक्टूबर में फ्लोर पे जाएगी, और खरमास पीरियड जो होता है उसके बाद 14 जनवरी के बाद जो रिलीज़ की जो श्रेणी बनेगी उसमें रिलीज़ होगी ये फिल्म। फ्लोर पे अक्टूबर में जा रही है फिल्म। बिल्कुल, पवन जी का ये गाना इंटरनेशनली हिट है, लॉलीपॉप लागेलू, तो उसका एक सहारा तो लिया ही गया है। और जो चीज़ें हिट होती है वो बिकती भी है, तो कोशिश तो यही है कि ये टाइटल इतना हिट है कि सब लोग इस टाइटल से परिचित हैं, और फिल्म भी कुछ लॉलीपॉप लागेलू टाइप बनती है तो दर्शकों को पसंद आएगी। कॉमेडी फिल्म है, इतना मैं कह सकता हूँ। अभी आपको कोई लॉलीपॉप देना? मेरी पत्नी। उसी से शादी हो गई, जो मुझे लगी उसी से शादी हो गई, और अभी भी है, हिंदू धर्म है। मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू। जी नमस्कार, मेरा नाम विनय सांडिल्या है, और मैं करीब पिछले 13 वर्षों से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। बहुत सारी नामचीन फिल्में जो भोजपुरी में हिट भी हुई हैं, नेशनल अवार्ड भी लिया है, जैसे सात सहेलियाँ, देवरा बड़ा सतावला, ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में मैंने असिस्ट किया है। राजकुमार पांडे के साथ मैंने 8 साल काम किया है, और काफ़ी फिल्में करने के बाद मैं पिछले 2 साल से इंडिपेंडेंट काम कर रहा हूँ, जिसमें मेरी ये 8वीं फिल्म है जिसका नाम है लॉलीपॉप लागेलू।
जी। जरा लॉलीपॉप लागे लू, देखिए थीम कॉमेडी जिस तरह से फिल्मों का एक जेनर होता है, थीम अगर बोला जाए तो कॉमेडी थीम है जी, और सोशल ड्रामा। देखिए फिल्म आम फिल्मों की तरह है, जिस तरह से एक हल्की फुल्की सिनेमा स्टार्ट होती है उसी तरह ये फिल्म भी है, लेकिन धीरे धीरे जाके अपने आप में एक सिनेमा का रूप ले लेती है, और ट्विस्ट जो हर फिल्म में होता है उस ट्विस्ट के तहत हम फिल्म को आगे बढ़ाते हैं। जी जी आपको लगता है कि फिल्म वर्क कर पाएगी? जी बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि अगर हम सही मेहनत करें, सही स्क्रिप्ट लेकर आएँ और उसे हम सही ढंग से सिनेमा जिस रूप में बनता है, अगर सिनेमा को हम सिनेमा का रूप दें तो सिनेमा जरूर काम कर पाएगी। और ये सिनेमा को जो रूप आप देंगे ये कब से देंगे, मतलब कब से? जी अक्टूबर फर्स्ट वीक हमने सोचा है, बारिश के बाद अक्टूबर फर्स्ट वीक से हम शूटिंग स्टार्ट करेंगे। फिल्म कब तक आ जाएगी आपकी? जी फिल्म जिस तरह से सभी फिल्मों को एक महीने की डेढ़ महीने की शूटिंग के बाद दो महीना ढाई महीने का पोस्ट प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है उसको सुंदर बनाने में, उसी तरह से इसमें भी दो ढाई महीने एक्स्ट्रा और उसके ऊपर जाएंगे और एक अच्छा समय देखकर फिल्म दर्शकों के सामने लाया जाएगा फिल्म को। जी मेरा नाम साजिद मलिक हुआ और मेरे प्रिय दोस्त शमशेर से, यानी हम लोगों की एक जोड़ी है साजिद शमशेर के नाम से, हम लोग अभी जाने जा रहे हैं इंडस्ट्रीज में और कई फिल्में अभी हम लोग लिख चुके हैं, कई फिल्मों का शूट चल रहा है अभी, जैसे हमारी फिल्म अभी शूट चल रही है मुंबई में चिराग में, गौरव झा हीरो हैं। और एक्चुअली हम लोग की पहली मूवी थी बलवान जो हम लोगों ने रिटेन किए थे और सर ही डायरेक्शन किए थे, और ये दूसरी मूवी है लॉलीपॉप लागे लू जो हटके सिनेमा है, कुछ अलग फिल्म कॉमेडी फिल्म है, बस यही कहूँगा और मेरे जो दोस्त हैं वो बताएं। शमशेर भाई जरा बताइए आप दोनों लिखते हैं, मतलब कैसे लिखते हैं, एक पैराग्राफ ये लिखते हैं एक पैराग्राफ आप लिखते हो ऐसा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्या है किसी टॉपिक पे ज़्यादा विचार विमर्श होता है उसके बाद मैं भी लिखता हूँ ये भी लिखते हैं। अच्छा एक ही कहानी दोनों लोग अलग अलग लिख के एक साथ लेके आते हैं? हाँ अलग अलग नहीं, मतलब एक साथ पूरे ग्राफ को विचार विमर्श करके, मतलब क्या लिखा जाए ये आप लोग पहले बहस करते हैं? जी बहस करते हैं, कोशिश करते हैं, उसके बाद डेवलप करते हैं, कंसर्न क्लियर करने के बाद कलम कोई भी चला देता है। अच्छा कभी इसमें दोनों में कोई बहस होती है कि नहीं ये नहीं ऐसा रखना चाहिए ऐसा रखना चाहिए? ऑफकोर्स होती है। तो कितने ये बहस कितनी लंबी तक जाती है? जब तक उसका सोल्यूशन नहीं निकल जाए तब तक होती है। तो अंत में जीतता कौन है? नहीं जीतता है जो बेटर रहता है, जैसे हम पिक्चर क्या है ग्राफ जिधर बेटर हो वो जीतता है। आप कितनी बार जीते हैं और साजिद भाई कितनी बार जीते हैं? नहीं वो तो थोड़ा इंटरनल एक्चुअली क्या जीतने और हारने की बात नहीं है, हम लोग दोनों आदमी इस टॉपिक पे बहुत लड़ते झगड़ते हैं वाकई में, और फाइनली जब हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि हमारी चीज़ें एक क्लियर हो गई, हम दोनों भाइयों की जीत हो जाती है। अच्छा अक्षरा सिंह को फिल्म में रखा जाए, अक्षरा सिंह वो किरदार निभा सकते हैं, ये बेसिक आइडिया आप दोनों में से सबसे दिमाग में पहले किसके आया? हम दोनों भाइयों के दिमाग में आए क्योंकि हम लोग अलग नहीं है, एक साथ कैसे दिमाग? इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि हम लोग दोनों भाई अलग नहीं है जो भी हो, क्योंकि हम लोग की 14 साल से दोस्ती है, बचपन से जब हाफ पैंट पे थे तब से हम लोग चलना शुरू किया, आज तो फुल पैंट पे आ चुके हैं और टी शर्ट भी आ गई है। हाँ हाँ अभी टी शर्ट भी आ गई है, एक दूसरे के दिल की बात समझ लेते हैं। लॉलीपॉप लागे लू क्या यही वजह है कि इस पॉपुलैरिटी को इस फिल्म का फायदा मिले इसीलिए टाइटल रखा गया है, या कहानी में सच में कुछ इसका लेना देना है? इसलिए रखा नहीं गया क्योंकि फिल्म एक ऐसी अलग स्टोरी है जिसके कारण से लॉलीपॉप लागे लू रखा गया। अब लॉलीपॉप का मतलब होता है कि कोई इंसान एक अच्छे चीज़ को देखकर जिसे उसके मुंह से पानी गिर जाना, उसकी इच्छा हो गई कि मैं इस चीज़ को पा लूँ, इसी टाइप से एक कॉन्सेप्ट है कि एक लड़की है और कई लड़के हैं इस चीज़ को पाना है, और इसीलिए लॉलीपॉप रखा गया। अच्छा ऐसा कभी जिंदगी में ऐसा वाक्य हुआ है आपकी अपनी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है जिसे तीन चार लोग मिलकर पाना चाह रहे हो, अंत में कोई चौका ले गया? हुआ है और अक्सर ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। आपके डायरेक्टर साहब के साथ नहीं, इनके बारे में तो जानकारी नहीं है लेकिन अपने बारे में बता सकता हूँ। हुआ तो बताएंगे नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, बताएंगे बिल्कुल। हुआ है शायद इसीलिए कहानी इतनी बेटर है। हो भी सकती है शायद कि और एक्सपीरियंस अपने निचोड़ के मैं दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ,
इसको कुछ करते हैं कहानी में डेवलप। अविनाश जी कुछ कहना चाहते हैं आप ऑडियंस को? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ऑडियंस को कि आप लोग भगवान हैं सिनेमा का, और मैं इस इंडस्ट्री का बहुत ही तिद्दी सा छोटा सा डायरेक्टर हूँ, मैं भी कुछ करने जा रहा हूँ और फिर से एक बार करने जा रहा हूँ। तो सभी जिस तरह से लोग बड़े बड़े स्टारों को और बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं को और निर्देशकों को एक मौका देते हैं फिल्म देखने का कि चलो भाई फलाने की फिल्म में देखी जाए, तो एक बार मेरी फिल्म भी देखें और फिर बताएं कि क्या लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है। जी भैया आपको मुबारक हो कि भाई आप हीरो बन गए जी, आप और इसके लिए शुभकामनाएं हमारी बधाई स्वीकार कीजिए। जरा बताइए फिल्म के बारे में, नाम से शुरू करेंगे और कहानी के बारे में आप बताइए अपने शब्दों में। कहानी के बारे में तो कुछ बता नहीं सकते हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कॉमेडी है, ड्रामा है और बहुत ही अच्छी मूवी है, और काफ़ी खुश हूँ मैं। पहली बार फिल्म का मुहूर्त, पहली बार काफ़ी एक्साइटेड हूँ, मज़ा आएगा काम करने में क्योंकि इतने सीनियर कलाकार हैं, साथ में काम करने का मौका मिलेगा हम लोगों को, मज़ा आएगा काफ़ी। हमें जी लेकिन आप अभिनेता भी हो, परफॉर्मर भी हो, एक्साइटेड हो इसे लेकर? बहुत ज़्यादा। कैसे अपनी खुशियों को भी शब्दों में बयां करना चाहते हैं? देखिए भैया लाइफ का पहला फिल्म और हमें दोनों भाई खातिर, तीनों भाई खातिर बहुत खुशी की बात बा कि आज भोजपुरी कितना बड़ बड़ सब अभिनेता ही जा एलन हो, काफ़ी खुशी की बात बा हमारा खातिर। और ये फिल्म के जितना मतलब उठा कर लिया कम बाटे है, और ये फिल्म के डायरेक्टर हमन विनय संडिल भैया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भैया कि इस लायक हम लोग को समझे और हमारे इस फिल्म को मतलब करने का मौका दिए। मैं इंडस्ट्री में 2012 से हूँ। मेरी पहली पिक्चर थी लवी सजना जो भोजपुरी थी, जिसमें मैं सेकंड लीड था, मोहन राठौड़ जी थे फर्स्ट लीड। उसके बाद बहुत स्ट्रगल करने के बाद ये सेकंड पिक्चर मिली है मुझे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं मनीष जी का, प्रोड्यूसर साहब का, और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अक्षरा जी का जो इस फिल्म में हमारे तीनों के साथ किरदार निभा रही हैं, और हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से ये फिल्म शूट हो और अच्छे लेवल पे जाए, आप लोग इसे देख के खुश हो। मेरा सवाल ये है कि आपके दोनों तरफ जो दो महापुरुष बैठे हुए हैं, ये दोनों बहुत बेहतरीन हैं। अरे ये तो लाजवाब है, हम एक्चुअली मीरा रोड से ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, एक्चुअली इतने दिन से हम लोग मिले नहीं। जब भी मीरा रोड से मैंने जैसी गाड़ी स्टार्ट की तो वन बाय वन जो गाना चालू हो रहा था माशाल्लाह बहुत अच्छा था, ऐसा था कि मतलब आज के डेट में देखा जाए तो दोनों के गाने बहुत टॉप पे चल रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत अच्छे व्यूवर्स आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग के साथ आगे बढ़ा जाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ बट मैं इनका गाना बहुत सुनता था एज अ व्यूवर्स, बट आज जो सामने बैठे हैं, बाजू में बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये दोनों मेन गाने से मेरा मतलब ये था कि ये दोनों गाते बहुत अच्छा हैं, दोनों गा के लड़की पटा लेंगे। देखिए मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करके ही पटा लूँगा, वैसे ही मेरा इधर फेस है आप लोग देख सकते हैं, तो वो माशाल्लाह अगर शायद एक्टिंग दिख रही होगी तो आप लोग जान ही सकते हैं कि शायद एक्टिंग से ही पटा ले। अच्छा आप लगी आपके लिए दोनों कुछ गाना चाहते हैं बेशक, और अमित गाना चाहते हैं इनके लिए, समझ लीजिए अक्षरा सिंह आपके बीच में बैठे हैं। अल्लाह चलिए पटाइए, चला हो जल्दी जल्दी करा। हीरोइन को पटाना कोई बड़ी काम नहीं मेरे लिए, हालांकि अक्षरा जी को हम लोग मैं तो शुरू से ही जान रहा हूँ, हमारे एक जिला टॉप महुआ पे चल रहा था तो उसके हमारे वो होस्ट थे, उसके बाद फिर साथ में लोग दो प्रोग्राम भी किए थे, तो आज यहाँ पे हैं तो हम लोग जान रहे हैं, और उनको पटाना कोई आसान नहीं है, तो आप कोशिश करनी चाहिए क्योंकि सीनियर एक्टर हैं और करना है, तो उनको तो गाना काफ़ी अच्छा लगता है तो गा के पूछला पता दिल पुरवैया से, छोड़ के गईलू रानी तू जहिया से, लूट गईल करार यार
चहना रे लूट गईल करार यार चहना रे बोल गम के बदरिया नैना रे बोल गम के बदरिया नैना रे हो कैसे है जियूं हो कैसे है कहूं जिया न जाए जिया न जाए दिल का जख्म सिया न जाए जिया न जाए जिया न जाए दिल का जख्म सिया न जाए। और हिंदी से पढ़ने वाली नहीं है भोजपुरी में पढ़ेंगे। भोजपुरी भोजपुरी अभी फिलहाल में ये अरे सुहाग वाली राहते जैसे धैला दूनों हाथे अरे वो सही धिया नवा दिहा ए रहा जाजी अरे तुरला चोली के रहते सिया नवा जुग जुग जिया ए राजा जी तुरला चोली के रहते सिया नवा जुग जुग जिया ए राजा जी। बात करें जैसे कि नया नाम बड़ा अच्छा नाम है लाली पॉप लाली भैया। पहले तो हम नमस्कार बोलो तो नहीं सबके और आज फिल्म का मुहूर्त बा लॉलीपॉप लागे लो टाइटल तो बहुत अच्छा है कॉमेडियन लागा था और तीन आर्टिस्ट हैं अभी सिंगर अमित जी और का नाम भैया रिमेक जी और टीटू रिमेक जी और अमित जी टीटू जी और लक्की जी तीनों जन आए रहे। तो मैं सोच रहा हूँ ऊपर वाले से यही मैं मनाता हूँ भगवान से कि ऐसे लोग नए नए आए और नए नए आएंगे तभी तो हमारी भोजपुरी फिल्मी इंडस्ट्री में नए नए कलाकार आएंगे तभी तो हम लोग का काम बढ़ेगा। हम लोग एक्शन डायरेक्टर हैं एक्टर हैं तो जहाँ ये लोग आएंगे तो काम बटेगा और अच्छा काम चलेगा। तो ये लोग आएंगे अच्छे काम करेंगे तो ये लोग भी ऊपर आएंगे। तो स्टार बनने के लिए ऊपर वाला सबको सौभाग्य देता है तो मैं तो यही भगवान से गुजारिश करूँगा कि बस इन लोग का इतना आशीर्वाद सब लोग दे देवे कि ये लोग भी सुपर स्टार बन जाए। देखो इन लोग को तो पहले कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा एक्शन वक्शन डांस और सीख के आए क्योंकि एक बार जब आते हैं तो दिखाना चाहिए कि भाई हम भी कुछ हैं और कंपटीशन है तो कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। तो एक्शन भी बहुत मायने हैं डांस भी मायने हैं और एक्टिंग तो है ही है भाई जी। आप दोनों भी कुछ कहना चाहते हैं लॉलीपॉप लागे ये राइटर जी हैं बोलिए जी। नए आए तीनों नायक लोगों का मैं स्वागत करता हूँ इंडस्ट्री में और क्योंकि कारोबार चलता रहेगा ये लोग आते रहेंगे तो और अक्षरा जी हैं तो मूवी बहुत अच्छी होंगी और सबसे मुझे भरोसा है अपने राइटर साजिद शमशेर भाई पे। ये लोग पहले भी बलवान फिल्म लिख चुके हैं और विनय जी ही इसके निर्देशक रह चुके हैं और काफ़ी अच्छे लिखते हैं। हमारे सहयोगी भी हैं मित्र भी हैं और जैसे टाइटल्स लगता है फिल्म धमाल करेगी और धमाल जैसे ही धमाल करेगी उनको पूरा यकीन है। मैं अनुज तिवारी अभी जलालू जी का मेरे पास फ़ोन आया अचानक और मैं आ गया यहाँ पे और मेरे तरफ से पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया यही और क्या कहना चाहूँगा। मैं तो यही चाहूँगा कि पूरी टीम अच्छे से काम करे फिल्म हिट हो और हिट होगी अच्छे लड़के हैं अच्छा मेहनत करेंगे हिट होना ही है। टाइटल हिट है लॉलीपॉप लागे लो।